आज का गाना है कभी अलविदा ना कहना। आज का जो नोटेशन है इसका, ये बहुत ही सिंपल नोटेशन रहेगा, मतलब बिगिनर्स के लिए रहेगा। अगर एडवांस नोटेशन चाहिए, मतलब जिसमें ट्रिक्स डाला गया, टास्क नोट डाला गया, तो उस टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, तो बाद में फिर इसी का एक टास्क नोट वाला जो वीडियो है उसका भी अपलोड किया जाएगा। गाने का नोटेशन शुरू होगा मिडिल ऑक्टेव का पास से। पहला लाइन है, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, क्या कैसा है, चलते चलते। तो नोटेशन क्या होगा, प प नी नी प, यह जो नी है कोमल नी है, यानी स्लाइडर को प्रेस करके बजाना, कैसे बनेगा, प प नी नी प मेरे गीत याद रखना, पाधा नी सानी रे रे सारे। तो यह भी जितना नी है, पूरा का पूरा नी जो है आपका कोमल नी है, यानी स्लाइडर प्रेस करके आपको धाका होल में बजाना पड़ेगा। यह जो सा और रे है, पूरा का पूरा सा और रे आपका हायर एक्टिव का है, बाद बाकी नोट मिडिल एक्टिव का है। तो फिर से एक बार कैसे पड़ेगा, चलते चलते प प नी नी प मेरे गीत याद रखना, पाधा नी सानी रे रे सारे। तो धीरे कैसे बजेगा, नेक्स्ट लाइन है, कभी अलविदा ना कहना, पापा नी 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 धा पापा माँ। नोटेशन शुरू का मिडिल ऑक्टेव का पास से, और यह जितना सारा नी है, पूरा का पूरा नी आपका कोमल नी है, यानी स्लाइडर को प्रेस करके धाका होल बजाना पड़ेगा, तो आपका कोमल नी बज जाएगा। तो कैसे बजेगा देखिए, नेक्स्ट लाइन है, कभी अलविदा ना कहना। तो नोटेशन का कैसे पड़ेगा, रे रे नी नी सा धा प प पानी धा प धा प। जितना सारा नी है, पूरा का पूरा नी आपका कोमल नी है, और पूरा का पूरा नोट मिडिल ऑक्टेव का है। बजाइएगा कैसे, इस लाइन का आपको दो बार बजाना है। नेक्स्ट जब बजाइएगा नोटेशन सेम रहेगा, लास्ट में सिर्फ नी धा पा धा पा, ये पांच नोट आपको नहीं बजाना है, नहीं तो अगला जितना था पूरा का पूरा नोट वैसा ही रहेगा। इसको दोबारा डिटेल देकर वीडियो को लंबा नहीं करते, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है, रोते हंसते। तो नोटेशन क्या होगा, नी नी रे सा। तो पहला वाला नी होगा आपका नेचुरल नी, और नेक्स्ट जो नी है वो होगा आपका कोमल नी, वो स्लाइडर प्रेस करके धावा जाना है, तो आपका कोमल नी बज जाएगा। इसे कैसे बजाएगा देखिए, नी नी रे सा बस यही तुम गुनगुनाते रहना। तो नोटेशन क्या होगा, नी 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 रे सा धा नी 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 धा नी नी, तीन बार बजाना, फिर नी नी तीन बार बजाना। कैसे बजाएगा, माता जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे देखिए, या लास्ट में जो छः नी है, छः का छः नी आपका होगा कोमल नी, यानी स्लाइडर प्रेस करके आपको धा बजाना है। माँ छोड़ के बाद बाकी जितना नोट है, अगर स्मॉल लेटर में जो लिखा गया होगा आपका कोमल नोट, और जो कैपिटल लेटर में लिखा गया वो होगा आपका नेचुरल नोट। तो यह देखिए, नी जो छः नी है, छः का छः नी आपका स्मॉल लेटर में लिखा गया, यानी छः का छः नोट आपका कोमल नी होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो क्या होगा नोटेशन, पाधा नी 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 धा पा पा मा रे रे नी नी सा धा पा पा पा। तो यह जितना सारा नी है, फिर से बोल देते, पूरा का पूरा नोट आपका स्मॉल लेटर में जो लिखा गया नी, उस सभी का सभी नोट आपका कोमल नी है, और माँ जो स्मॉल लेटर में लिखा गया वो होगा आपका नेचुरल नोट। माँ अलग है, क्योंकि माँ तीव्र होता है, माँ कभी कमल नहीं होता, इसलिए माँ को जो जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वही होगा आपका
तीव्र मा, जो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा वो होगा आपका नेचुरल मा। चलिए देखते कैसे बजेगा। पार्ट वन यही तक खत्म होता है, इसके बाद है पार्ट टू यानी अंतरा। अंतरा के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।